निजी दौरे पर पर्यटन नगरी मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में चीनी मिलों को अति आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर पशुपालन के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं और पूर्व में भी भाजपा सरकार द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ में पलायन रोकने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और कई योजनाएं संचालित भी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी 6 जिलों में कार्य किया जा रहा है और पूर्व में भी भाजपा की सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। मेरे पास जो विभाग है, चाहे वो पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, दुग्ध उत्पाद हो, ये सारे ऐसे विभाग हैं जिनसे हम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक, पर्वतीय क्षेत्रों तक हमारी मातृशक्ति, उनको सशक्त भी बना सकते हैं और युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। मैंने जब पहले ही अपनी रिव्यू बैठक ली अधिकारियों के साथ, जब मुझे मंत्रालय मिला, तो उसमें हमारे मंत्रालय के द्वारा पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है पशुपालन को लेके, मत्स्य पालन को लेके, दुग्ध उत्पाद को लेके। और आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि 6 पर्वतीय ज़िले ऐसे हैं जिसमें हम मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं, हिमालयन ट्राउट के हम लोग फार्मिंग करा रहे हैं। और उन लगभग 17-18 में हमारी जो ट्राउट फार्मिंग की उत्पादन था वो लगभग 30 टन था। आज के दिन हम उसको 300 टन तक ले गए हैं और 2025 तक हमारा टारगेट है उसको 5000 टन तक पहुँचाने का। 1800 रुपये किलो पे वो फिश यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, दिल्ली मुंबई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वो ट्राउट फार्मिंग में जुड़े हुए हैं, उनको रोज़गार भी मिल रहा है और उनकी आमदनी भी अच्छी हो रही है। उसी तरीके से जब आप पशुपालन में जाते हैं तो हमारे मुर्गी पालन में बहुत बड़ा हिट हुआ है। पिथौरागढ़ ज़िला अगर आप देखेंगे तो पूरा मुर्गी पालन पर ही सस्टेन कर रहा है। हमने जो SC ST हैं हमारे समाज के लोग, उनको हम 50 मुर्गी बच्चे फ्री देते हैं ताकि वो अपना काम चला सकें। उसी तरीके से हम गाय पे सब्सिडी है, बकरी पालन पे हम सब्सिडी दे रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा युवा है, सबसे बड़ी समस्या जो पहाड़ों में है वो पलायन को लेके है। और जो समस्या सबसे बड़ी हमारे सामने आई है वो ये है कि जो हमारा युवा है वो दुग्ध पालन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। क्योंकि अगर आज हम किसी भी पढ़े लिखे युवा को ये कहेंगे कि आप गाय का दूध जाके दोइए तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हमने एक प्लान बनाया है कि हम ऑटोमेटेड स्मॉल यूनिट्स के द्वारा हम अपने युवाओं को आकर्षित कर सकें दुग्ध पालन की तरफ, मुर्गी पालन की तरफ। और कोशिश यही है कि आने वाले 6-7 महीने में हम ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं जिससे हमारे यहाँ पलायन की समस्या भी रुक सके और हमारे युवाओं को रोज़गार से जोड़ा भी जा सके। सर देखिए, मैं खुद एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ सितारगंज से जो चीनी मिल से प्रभावित है। मेरे यहाँ भी चीनी मिल पर है, मेरे यहाँ किसान बहुल्य क्षेत्र है। और मैंने मंत्रालय पद ग्रहण करने के बाद 4 चीनी मिलों का अभी तक निरीक्षण कर चुका हूँ मैं, सितारगंज, किच्छा, लक्सर और डोईवाला। कुछ समस्याएं हैं जो कि नीतिगत रूप से हम लोग को ठीक करनी पड़ेंगी, सरकार को फैसले लेने पड़ेंगे। मैं जब किच्छा की चीनी मिल में गया तो 1962 की इंस्टॉल चीनी मिल है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने वाली चीनी मिल है। वही हाल सितारगंज का है, 1982-83 में इंस्टॉल हुई। डोईवाले के भी वही हाल है। जब उसके बाद मैं लक्सर गया तो लक्सर एक प्राइवेट मिल है और प्राइवेट मिल में जो हमने डिफरेंस देखे कि जितने भी मॉडर्नाइजेशन की ओर चीनी मिल जाएगी उतना ही उसकी रिकवरी बेटर होगी, उतना ही उसके ब्रेकडाउन्स कम होंगे। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा भी हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी चीनी मिलें हैं उनको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें और उनको मॉडर्नाइजेशन की ओर ले जा सकें। देखिए, जो रिकवरी है, सरकार का लॉस तभी होगा जब आप रिकवरी नहीं कर सकते। प्राइवेट चीनी मिल जहाँ पे 12.5% की रिकवरी कर रहे हैं, हम वहाँ पे लगभग 8.5-9.5-10% के आसपास रिकवरी है। कुछ चीनी मिल 10% तक पहुँच गए हैं, कुछ में हम 8.5-9% तक ही सीमित हैं। तो वो हमारी प्राथमिकता है कि मॉडर्नाइजेशन की ओर चीनी मिलों को ले जाएँ। ये कहना कि सितार आज की चीनी मिल में जो चीनी जो विभाग के गन्ना किसान हैं वो बहुत ही त्रस्त हैं, ये गलत इसलिए कहेंगे क्योंकि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चीनी मिल में चीनी गन्ना किसानों का और जो पेमेंट है गन्ना किसानों का वो लगभग टाइम पे किया। इस बार भी हमारा 500 करोड़ की देनदारी थी, उसमें से लगभग 225 करोड़ रुपये हम देनदारी चुका चुके हैं। 50 करोड़ की देनदारी हम अगले 5-7 दिन में चुकाने जा रहे हैं। और मेरी संधू जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे वार्ता भी हुई है कि अगर हमको वित्त विभाग 200 करोड़ की एक किस्त एक मुश्त दे देता है तो जो 210 करोड़ के आसपास का बैलेंस बचेगा 50 करोड़ निपटाने के बाद, उसको भी हम एक मुश्त में कर देंगे और लोगों को, किसानों को दे देंगे। हमारा प्राथमिकता चीनी मिलों को मॉडर्नाइजेशन की ओर ले जाना है और उस पर हम लोग एक प्लान बना रहे हैं।